क्या आप एक एडिटर हैं या फिर एक प्रो लेवल एडिटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप करने का सोचिएगा भी नहीं। जी, मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन, और ये वीडियो स्पेशली सुंबल भाई के लिए है। यकीन माने सुंबल भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने उनका फर्स्ट टाइम कमेंट रीड किया तो मुझे ऐसे लगा ये सुंबल तो गर्ल्स का नेम होता है। तो जब भाई से मेरी बात हुई मैंने उनको भी पूछा, भाई आप बॉय हो? कहते हैं जी। मैंने कहा ये नाम तो गर्ल्स वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। कहता नहीं यार, बॉयज का भी होता है। बट फिर भी अगर आपको बिलीव नहीं आ रहा तो मैं ये दिखा देता हूँ, ये आप कमेंट रीड कर सकते हैं। इसके बाद इनसे मेरी व्हाट्सएप पे चैट हुई थी, मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। देख रहे हैं सुंबल नहीं, बट ये जो भाई हैं इन्होंने मेरे चैनल पर EDS एडिटिंग कोर्स स्टार्ट किया है, बट इनको EDS की सेटिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा इनके अलावा भी जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही होंगी उनकी भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टोटल सेटिंग बताने वाला हूँ। जो भी एडिटिंग कोर्सेज कर रहे हैं या ऑलरेडी जो एडिटिंग भी कर रहे हैं, ये मार्केट के अंदर डोंगल्स पर एडिटिंग चल रही है नॉर्मली, तो उनके लिए भी जरूरी है कि इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि इसके अंदर मैं टोटल सेटिंग्स बताने वाला हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से EDS 9 को ओपन कर लेता हूं। ये आपको ऑलरेडी पता ही है क्योंकि मैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह यूज करता हूं, तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, परेशान होने वाली बात नहीं। जैसे ही आप EDS को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का फर्स्ट पेज आपको दिखाई देता है। इस पेज की टोटल इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर बताई हुई है, मैं वो वाली चीजें बताऊंगा जो आपको उन क्लासेस के अंदर देखने को नहीं मिली। यहां से अगर हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे पास ये वाला पेज शो होगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्रीसेट्स। यहां पर हम अपने प्रोजेक्ट की प्रीसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ प्रीसेट्स होती हैं और इनको भी आपने अगर यूज करना है तो इनेबल कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना चाहते तो डिसेबल रख सकते हैं। बट मार्केट के अंदर जो आप वेडिंग वीडियो पैक वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो डाटा क्रिएटर्स होते हैं उन क्रिएटर्स ने जिस प्रीसेट के ऊपर वर्क किया होता है वही वाली प्रीसेट जस्ट क्रिएट कर देता है, बाकी वाली प्रीसेट को डिसेबल ही रहने देता है। तो इस वजह से कुछ लोग समझते हैं कि EDS के ऊपर डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर वर्क नहीं होता, तो इसलिए आपको इन सेटिंग्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज होगा तो तभी आप EDS को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। तो फर्स्ट नंबर पे हमें साइज दिखाई दे रहा है 4K और HD। इसके ऊपर अगर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर चेक मार्क ऐड हो जाता है, अगर फिर से माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, और फिर से अगर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। मैंने यहां से सभी साइज को सिलेक्ट कर लिया है, 4K HD SD DV और इसके अलावा भी काफी ज्यादा फ्रेम्स होते हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, बट वो फ्रेम आपको कैसे मॉडिफाई करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली आप जो वीडियो एडिट कर रहे होते हैं उनके अंदर जो स्टैंडर्ड फ्रेम यूज हो रहे होते हैं वो वाली प्रीसेट आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मिली जाती है। फ्रेम रेट में आ जाएं तो इसके अंदर मैं सभी फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, और आप लोगों को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी फ्रेम्स को इनेबल रखेंगे तो तभी आपकी नजर गुजरेगी उन फ्रेम्स के ऊपर और फिर आपको तजस्सुस पैदा होगा कि यार ये क्या फ्रेम है, इसको भी मैं चेक करके देखूं। जब आप ऐसे चीजों को चेक करने लग जाएंगे ना तो यकीन माने तब आप सीरियसली एडिटर वाली हरकतें करना शुरू कर चुके होंगे। इस वक्त के जो अच्छे एडिटर हैं उनके पुराने दिनों में किए हुए काम कर रहे होते हो, वो एक टाइम पे ये काम करके अच्छे एडिटर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप टोटल फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पर आपको बिट रेट दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट इसके लिए आपका GPU होना भी जरूरी है। आपकी वीडियो फ्रेम के वीडियो स्कोप के बिट्स रेट के ऊपर डिपेंड करता है, जितने बिट्स रेट के ऊपर आपने वर्क किया हुआ होता है उतने बिट्स रेट को आप यूज कर सकते हैं, और इन बिट्स रेट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से 8 बिट कर देता हूँ। नॉर्मली जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होता है ना वो 8 बिट पे चल रहा होता है। जैसे आपके नॉर्मल प्लेयर्स जो होते हैं जो आप वीडियो एडिट करके निकाल रहे होते हो, आपने किसी टीवी पे LED वगैरह पे प्ले
प्ले करनी होती है, तो अगर आपकी एलईडी या टीवी जो है वो 8 बिट सपोर्टेड है और आप अगर 10 बिट के ऊपर वर्क करके ले जाएंगे तो वहां पे समझ लें सत्यानाश। तो इसलिए आपको पहले देखना होगा कि आपने वीडियो जहां पर प्ले करनी है वो कितने बिट्स रेट सपोर्ट करता है। तो नॉर्मली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एलईडी टीवी वगैरह यूज हो रहे हैं वो 8 बिट है, तो मैं इसलिए इसको नॉर्मली स्टैंडर्ड 8 बिट कहता हूं, तो आप भी इसको 8 बिट ही रखें। और इसके साथ ही आपको दिखाई देता है ऑडियो चैनल। ऑडियो चैनल के अंदर आपको 2 चैनल, 4 चैनल, 6 चैनल, 8 चैनल, काफी ज्यादा चैनल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप एक प्रीसेट के अंदर ऑडियो के 2 चैनल भी रखना चाहते हैं, 4 भी रखना चाहते हैं, 6 भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे वो कॉपी पेस्ट होती जाएंगे। तो मैं नॉर्मली यहां से 2 चैनल रखता हूं और जितने भी मुझे एक्स्ट्रा यूज करने होते हैं मैं मैन्युअली ऐड कर लेता हूं, और यही मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। अगर आप सभी चैनल्स को सिलेक्ट कर देंगे एक साथ ही तो वो थोड़ा सा टाइमलाइन को चिपका देगा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप यहां से 2 चैनल सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको यहां पर प्रीसेट्स दिखाई दे रही हैं। जितनी भी प्रीसेट बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हो रही थी, जितनी भी हमने सिलेक्ट की वो सभी की सभी हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और यहां पर भी हम किसी प्रीसेट को, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये वाली प्रीसेट जो है डिसेबल कर देता हूं, तो जो हमारी प्रीसेट क्रिएट होंगी जो हमारे ईडीएस के फर्स्ट पेज के ऊपर हमें दिखाई दे रही होती है तो वहां पर ये प्रीसेट नहीं दिखाई देगी। यहां से भी आप इसके बाद भी अपनी प्रीसेट को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, बट मैं सभी प्रीसेट को इनेबल ही रखूंगा और आप भी इनेबल ही रखिएगा। और यहां पर हम कंप्लीटेड के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं इसकी टोटल प्रीसेट हमें यहां पर दिखाई दे रही है। अब हमने जो भी वीडियो एडिट करनी होती है उस वीडियो के FPS फ्रेम रेट चेक कर लेंगे, जिस फ्रेम रेट के ऊपर हमने शूट की हुई होगी उसी फ्रेम के हिसाब से हम उसको एडिट करेंगे और उसी हिसाब से हम अपनी प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने NTSC पे शूट किया हुआ है तो हम NTSC ही प्रीसेट सिलेक्ट करेंगे, या फिर हमने PAL पे शूट किया हुआ है तो फिर हम PAL की ही प्रीसेट सिलेक्ट करेंगे। और ये NTSO PAL क्या होता है इसके बारे में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूं। फॉर एग्जांपल हमें इस वीडियो को एडिट करना है तो इस वीडियो के फ्रेम रेट को चेक करने के लिए इसके ऊपर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे, और प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद यहां से हम डिटेल में जाएंगे। जैसे ही हम डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें फ्रेम रेट दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप 29। मैं वैसे NTSC यूज करता हूं, बल्कि हमारे एशियन एरियाज के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबसे ज्यादा PAL ही यूज होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 60 MHz चल रही होती है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और 50 MHz चल रही होती है एशियन कंट्रीज के अंदर। जो एशियन कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, इन सब कंट्रीज के अंदर PAL यूज होता है ज्यादा, बट मैं NTS के ऊपर वर्क करता हूँ। मेरी बात को छोड़े, मैं तो वैसे ही थोड़े से डिफरेंट काम करता रहता हूँ, बट जिन कंट्रीज के अंदर 50 MHz चल रहा होगा तो आप लोग PAL के ऊपर वर्क करेंगे, और जिन कंट्रीज के ऊपर 60 MHz चल रही होगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहां पर आप NTSC पे वर्क करेंगे। वरना अगर आप कोई नाइट शूट कर रहे हैं जिसके अंदर आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी लाइट अप्लाई की हुई है अपने करेक्टर को कैप्चर करने के लिए, तो जो आपकी लाइट चल रही होगी उसके ऊपर अगर आप NTSC में जाएंगे तो आपकी वीडियो फ्लिकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, और वो फ्लिकिंग अगर हो जाए तो आप उसको एडिटिंग में क्लियर कर सकते हैं, बट इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने वाला। अगर इन चीजों के बारे में, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमें जो वीडियो एडिट करनी होती है तो उसके फ्रेम को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये 29 आ रहा है, यानी कि 30 FPS या NTSC की वीडियो है। और हमारी कंट्रीज के अंदर वैसे नॉर्मल जो वीडियोस चल रही होती हैं वो PAL पे चल रही होती हैं, तो मैं यहाँ पर 50i सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 25p भी आपका PAL है और 50i आपका PAL होगा। वैसे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो फ्रेम रेट होता है वो 24 होता है, 24 कुछ फ्रेम्स होते हैं, बट नॉर्मल अगर आप वेडिंग की वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्रेम रेट आप निकालना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आप 25p फ्रेम के ऊपर वर्क करें। अगर आपने 50 फ्रेम रेट के ऊपर शूट की हुई है वीडियो और उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप 25 फ्रेम में एडिट कर लें, और अगर आपने 60 फ्रेम के ऊपर शूट की हुई है तो फिर आप 30 फ्रेम के ऊपर एडिट कर लें। बट आप अपने कैमरे को अगर NTSC रखेंगे तो आपके जो भी फ्रेम कैप्चर होंगे वो सभी NTSC में ही कैप्चर होंगे, और अगर आपने अपने कैमरे की सेटिंग PAL पे की हुई है तो आपका कैमरा टोटल फ्रेम PAL के ऊपर रिकॉर्ड करेगा। और जो फ्रेम आप शूट करके लाएंगे, अगर आपने 25 के ऊपर शूट किया हुआ है तो फिर भी आप 25 पर ही एडिट करेंगे, अगर आपने 50 फ्रेम के ऊपर शूट किया है तो फिर भी आप 25 फ्रेम पर ही एडिट करेंगे। और ये फ्रेम के अंदर क्या डिफरेंस होता है बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। फिलहाल आपको मैं मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। अगर आप कोई वेडिंग का काम कर रहे हैं, वेडिंग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपने अगर 50 फ्रेम पे शूट किया हुआ है तो 25 के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे अपनी एडिट करके वीडियो, और अगर आपने 60 फ्रेम के ऊपर शूट किया हुआ है तो फिर आप 30 फ्रेम के ऊपर वीडियो एडिट
जनरेट करेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया के लिहाज से वीडियो बना रहे हो, अगर आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी होती हैं या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप NTSC के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि उन फ्रेम के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट वीडियो अपलोड हो रही होती है वो भी NTSC ही होती है। अगर आप पाल के ऊपर वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं, तो फिर से यूट्यूब कन्वर्टर आपकी वीडियो को NTSC के ऊपर कन्वर्ट कर रहा होता है। अच्छा, जिससे आपकी वीडियो की पिक्सल क्वालिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। नहीं तो इसलिए अगर आप सोशल मीडिया के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप NTSC के ऊपर एडिट करेंगे। और EDS के अंदर 60fps NTSC है और 30fps NTSC है, 25p ये आपको दिखाई दे रहा है, ये EDS के अंदर PAL है, और यहाँ पर ये 29.97 जो है आपको NTSC का फ्रेम दिखाई दे रहा है। और अगर आप 50p को सिलेक्ट करते हैं, 50p भी NTSC का फ्रेम है, ओके। और अगर आप 59.91 को सिलेक्ट करते हैं, ये भी NTSC फ्रेम है। बट अगर आप सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह के लिए यूज करना चाह रहे हो तो आपको मेरे ख्याल में 30 फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये 29.97p जो दिखाई दे रही है प्रीसेट, ये आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज करें। और अगर आप वेडिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो फिर आप PAL के ऊपर वर्क करें, क्योंकि आपकी वीडियो फिर लाइटिंग के हिसाब से आपको शूट करनी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्लिकर की प्रॉब्लम रहेगी, बट वो फ्लिकर आप एडिटिंग के अंदर क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं यहां से 29 फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं NTSC और ओके कर देता हूं। तो जो EDS का फर्स्ट इंटरफेस हमें दिखाई देता है कुछ इस तरह से, डबल मॉनिटर दिखाई दे रहा है हमें और इसके अंदर टाइम कोड भी दिखाई दे रहा है। और अब इसको अगर हम सिंगल करना चाहते हैं, हम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये सिंगल मोड और ड्यूल मोड, मैं यहां से इसको सिंगल मोड कर देता हूं तो हमारा व्यू फाइंडर सिंगल हो जाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर माउस से फिर से लेफ्ट क्लिक करता हूं और इसको मैं ड्यूल मोड कर देता हूं, व्यू के ऊपर लाके ड्यूल मोड कर दूंगा तो फिर से ड्यूल मोड हो जाएगा और अलग से आपको सोर्स मॉनिटर मिल जाता है। बट मैं इसको सिंगल ही यूज करता हूं क्योंकि आपका प्लेबैक मॉनिटर का वर्क भी करता है, आपको प्रोग्राम प्लेबैक जो होता है आपका उसका वर्क भी करता है और सोर्स मॉनिटर का वर्क भी करता है। और अगर आप प्रीमियर या किसी और प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं तो वहां पर आपको अलग से सोर्स मॉनिटर यूज करने की आदत पड़ी हुई है, तो आप ऐसे अलग से सोर्स मॉनिटर यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर अगर आप सिंगल मॉनिटर के ऊपर वर्क करेंगे तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेस्ट है। ये इसकी थोड़ी सी शॉर्ट चीजें हैं EDS की, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में वेडिंग वीडियो के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। मैं इसको फिलहाल के लिए सिंगल कर देता हूं। और इसकी जो आपको यहाँ पर टाइम कोडिंग दिखाई दे रही है, ये देख रहे हैं आप, वॉच टाइम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसको यहाँ से हटाने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये हिडन हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे अपनी टाइम कोडिंग को शो करना है वीडियो के अंदर तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड टाइम चलता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कोई भी चीज अप्लाई नहीं की हुई, वरना मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता, ऐसे टाइम आपको काउंटिंग में दिखाई देगा। मैं इसको फिलहाल कंट्रोल जी करके हिडन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा पकड़ के क्लोज कर देता हूँ। इसकी ब्लैक बॉर्डर्स जो हैं इतने ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं इसको थोड़ा मिड में कर देता हूँ। और उसके बाद व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये प्लेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम कर्सर लाएंगे तो नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा, शो ऑल। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अगर हम कीबोर्ड से एच भी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेज शो हो जाता है, मेरी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला गया। मैं इसको पकड़ के इस तरफ कर देता हूँ। अब अगर हम एच प्रेस करते हैं तो ये देख रहे हैं ये पेज शो हो गया, फिर से एच प्रेस करेंगे ये हिडन हो जाएंगे, फिर से एच प्रेस करेंगे ये शो हो जाएंगे। ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ। ये साथ में जो नए हैं, जिन लोगों ने पोस्ट स्टार्ट किया है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कौन कौन से पैनल को किस जगह पे रखना है। मैं वर्क करते हुए जिन पैनल्स को जिस जिस पोजीशन पे रखता हूँ वो वाली पोजीशन मैं आपको यहाँ पे मैन्युअली सेट करके दिखा देता हूँ, बट आप अपनी मर्जी से कैसे भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के हिलाऊंगा फ्रेम से और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दूंगा और इन्फॉर्मेशन पैनल को मैं ला के इस कॉर्नर में एडजस्ट कर दूंगा, इस कॉर्नर में फिट कर दूंगा और इसको फुल क्लोज कर दूंगा इस तरफ जितना भी ये क्लोज हो सकता है, और इस पैनल को साथ अटैच कर दूंगा और इसको बिल्कुल इसके साइज के साथ मैच। और उसके बाद इफेक्ट वाले पैनल को मैं लाके यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, इस पूरी बार के अंदर इसको फिट कर देंगे और ये वाला पैनल इसके साथ ही अटैच कर देंगे। और अब इसके अंदर हमारा बिन वाला पैनल नहीं शो हो रहा, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से बी प्रेस करूंगा तो ये बिन वाला पैनल शो हो गया। और यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं वैसे शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। बिन को भी मैं पकड़ के इसके अंदर ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसको भी इसके साथ ही अटैच करूँ। और इस कॉर्नर के अंदर मैं वीडियो स्कोप को रखूंगा ताकि मुझे
एक अलग रेडिंग करते हुए किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आए इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मैं ऑडियो को डिसेबल कर देता हूँ और इसको भी ऐसे क्लिक करूंगा, ये जो ग्रुप बना हुआ था अनग्रुप हो गया है। और इसके साथ ऑडियो हमारी मैच होके आती है इसके अंदर। और ये हमारा मैग्नेट का ऑप्शन है, मैग्नेट की इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये जो बिन है इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको पकड़ के इस साइड पे कर देते हैं और इसके साथ इफेक्ट को इसके साथ लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बिन को यूज कर पाएंगे और इसके साथ इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इफेक्ट पैनल यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये फोल्डर का आइकन बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका व्यू फाइंडर अलग से दिखाई देगा। यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इफेक्ट का बार ओपन हो जाएगा, किसी भी बार को क्लिक करेंगे तो उसके टोटल इफेक्ट आपको इस साइड पे दिखाई देंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर ऐसे ही हम बिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिन का हमारा रूट वाला बार जो है इसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम जितने भी फोल्डर जनरेट करेंगे वो वाले फोल्डर दिखाई देंगे और जिस भी फोल्डर के अंदर जो भी डाटा हमने इंपोर्ट किया होगा वो इस बार के अंदर हमें दिखाई देंगे। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लीन कर देता हूँ। ओके, और सुंबल भाई को नहीं मिल रही थी क्विक टाइम प्लेयर की सेटिंग, मैं यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिस्टम सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर आप अपडेट चेकमार्क लगा के रखें, जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट लट्स प्रीसेट मिल जाती हैं जो आप कलर ग्रेडिंग के लिए लट्स यूज करते हैं। कलर स्पेस के अंदर आएंगे, यहाँ पर कुछ प्रीसेट को इनेबल किया हुआ है और कुछ प्रीसेट को डिसेबल किया हुआ है। अगर कोई बंदा लट्स को यूज करना चाहता है तो आप अपने EDS की सेटिंग के अंदर आके यहाँ से ऐसे सभी लट्स को इनेबल कर सकते हैं और फ्रीली यूज कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से डाटा परचेज करके लेके जाते हैं तो वो इंस्टॉलेशन के अंदर ये चीजें इनेबल नहीं करके देते, क्योंकि वो अपने डाटा के ऊपर वर्क कर चुके हुए होते हैं और ज्यादातर ऑप्शंस को वो डिसेबल कर देते हैं ताकि जो उनका क्लाइंट है वो मैन्युअली एडिटिंग करना ना सीख पाए और उनसे डाटा परचेज करता रहे सारी जिंदगी। और मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किए हैं इस मिशन के ऊपर ताकि हर एक बंदा मैनुअल एडिटिंग करे। ऐसे सबको चेकमार्क लगा के आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और फिर आपको आपके प्राइमरी कलर क्वेश्चन के अंदर काफी ज्यादा लट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सेटिंग्स मिल जाएंगी, आपने एक एक पॉइंट को चेक कर लेना, जो जो चीज आपको समझ में आ जाएगी उसको आप वैसे मॉडिफाई कर लें और जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी और आपको लगे कि ये आपको समझना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, मैं फर्स्ट नंबर पे प्लेबैक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें 512 MB जो है रैम हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 8 GB तक सपोर्ट करता है। मैं इसको 8 GB सिलेक्ट कर देता हूँ और मेरे PC के अंदर मेरे ख्याल में 50-60 GB के करीब रैम लगी हुई है तो 8 GB मुझे इसको देते हुए किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको 8 GB कर देता हूँ ताकि हमारी प्लेबैक बफर जो है ना वो अच्छे से चलती रही। और इसके नीचे हमें फ्रेम रेट दिखाई दे रहा है तो मैं इसको 15 कर देता हूँ, यहाँ पे इसके मैक्सिमम 15 कर सकते हैं तो मैंने 15 कर दिया। और इसके नीचे प्रोफाइल और ये काफी ज्यादा सेटिंग्स, यहाँ पर ये आपको प्रोजेक्ट प्रीसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट की जो प्रीसेट होती है यहाँ पर आप प्रीसेट डिलीट भी कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी प्रीसेट क्रिएट की हुई है और न्यू प्रीसेट क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रीसेट को डिलीट करना चाहते हैं उस प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ये डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रीसेट डिलीट हो जाएगी। और अगर आप किसी प्रीसेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आप अपनी प्रीसेट का कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं सब कुछ मॉडिफाई करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और एडवांस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं A to Z हर चीज आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसके बाद आप अपनी किसी भी प्रीसेट को कॉपी भी कर सकते हैं और न्यू प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रीसेट नहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सब चीजें अभी मेंशन होने वाली हैं। अगर आप मैनुअल प्रीसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे आप मैनुअल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रीसेट विजार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये वही वाला पेज हमें दिखाई दे रहा है जो पेज हमने फर्स्ट टाइम EDS इंस्टॉल करके ओपन किया था तो पेज हमें दिखाई दे रहा था, वही वाला पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने अगर बाय डिफॉल्ट कुछ अजीबोगरीब किस्म की प्रीसेट क्रिएट कर ली है तो आप अपनी सेटिंग के अंदर आके प्रोजेक्ट प्रीसेट के अंदर यहाँ पे सभी प्रीसेट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और फिर से प्रीसेट विजार्ड को ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई वैसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ही इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये कलर करेक्शन के अंदर ग्राफिक कार्ड को इनेबल करना है या डिसेबल रखना है, तो मैं
ग्राफिक कार्ड यूज करता हूँ तो आपको भी इनेबल रखना चाहिए, इससे आपकी कलर ग्रेडिंग अच्छी हो जाती है। और जीपीयू के अंदर आए, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जीपीयू सिलेक्ट है, आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जीपीयू दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा लोड लेगा और ऐसे आपको ये क्यूडा और ओपन सीएल की फाइल दिखाई दे देगी। आप इनको ऐसे चेक मार्क लगा के इनेबल कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर आपको मिल जाता है क्विक टाइम प्ले, ये क्विक टाइम प्ले आपने यहाँ से इनेबल कर, अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है ओके है, अगर नहीं किया हुआ तो ऐसे आप इसके ऊपर चेक मार्क लगा दें, ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे ओके। सेटिंग में आएंगे, यूजर सेटिंग, यूजर सेटिंग के हम टोटल सेटिंग को चेक कर लेंगे ऐसे। और ये मैं एक्सटेंडेड क्लिप को डिसेबल रखता हूँ और आप भी डिसेबल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जिस लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल में अगर इसको डिसेबल ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब हीडीएस के अंदर ये बढ़िया चीज है जो दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं होती, उनके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन यूज करने के लिए पहले वीडियो को कट करना पड़ता है ताकि उसको आगे वीडियो मिल सके मिक्सअप लगाने के लिए। बट अगर आप एक्सटेंडेड क्लिप को डिसेबल कर देते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको क्लिप कर लेगा अपने अंदर, जो कि प्रीमियर डाविंची रिजोल्व वगैरह वगैरह सॉफ्टवेयर्स नहीं करते। यहाँ से हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये मॉनिटर की सेटिंग मिल जाती है। और टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर आपको ये लीनियर और बीजियर का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं इसको बीजियर रखता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो हिप हॉप म्यूजिक के ऊपर एडिट करनी है तो फिर आप इसको लीनियर रखें, और यानी आपने कोई रैप म्यूजिक एडिट करना है या फिर कोई फास्ट म्यूजिक एडिट करना है तो फिर आप लीनियर रखें। और अगर आपको क्लासिक म्यूजिक के ऊपर करना है तो फिर आप इसको बीजियर, क्योंकि मैं ज्यादा क्लासिक म्यूजिक के ऊपर वर्क करता हूं तो मैं इसलिए इसको यहां से बीजियर सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपको भी क्लासिक म्यूजिक के ऊपर वर्क करना हो तो आप इसको बीजियर करके यूज करें, और अगर आपने किसी फास्ट म्यूजिक के ऊपर वर्क करना हो तो फिर आप इसको लीनियर करके वर्क करें, ताकि आपकी ऑडियो वेवफॉर्म लीनियर और बीजियर में आपके म्यूजिक के साथ प्रॉपर वर्क करे। मैं इसको फिलहाल बीजियर रखता हूं, मुझे ज्यादा बीजियर अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर हमें ये बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर मैं फेड के कुछ आइकन यूज करता हूं, तो मैं आप लोगों को भी बता दूं, आप भी साथ साथ यूज कर लें। आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइमलाइन, यहाँ से हम टाइमलाइन सिलेक्ट करेंगे तो टाइमलाइन के अंदर ये जितने भी आइकन आप यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। बट इसके अंदर जितने भी आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले आइकन आपके इनेबल हैं जो आपको अपनी टाइमलाइन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी भी आइकन को आप डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ से भी आइकन रिमूव हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं तो इस पैनल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी आइकन को ऐड कर सकते हैं। मैं यहां से, ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले थंबनेल, मैं इसको ऐड कर लेता हूं। इसको ऐड करने के लिए आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा। अगर इधर से किसी को रिमूव करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा, इधर से रिमूव हो जाएगा, इस साइड पे ऐड हो जाएगा और आपको टाइम लाइन पे नहीं दिखाई देगा। और अगर आप टाइम लाइन पे देखना चाहते हैं तो आपको इधर किसी भी आइकन को इस साइड पे ऐड करने का है, वो आइकन आपको आपकी टाइम लाइन पे दिखाई देने का है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आइकन इधर से हिडन हो गया और इस साइड पे शो। और इसके अलावा मुझे फेड इन और फेड आउट के आइकन यूज करने होते हैं तो इनको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूं इस साइड पे और यहां से अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ये आप देख रहे हैं ये तीन आइकन इसके अंदर शो हो चुके हैं। मैं अगर इनको इस साइड पे रिटर्न मूव कर देता हूं और अब अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहां से ये आइकन हिडन हो गए। मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं इसको यहां से अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई करने के बाद कंट्रोल में आ जाते हैं, इसके बाद शॉर्ट की आती है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी की सेट कर सकते हो जो आपने शॉर्ट्स की सेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्लो मोशन करने के लिए ई शॉर्ट की आदत पड़ गई है तो मैं उसको ई पे रखता हूँ। और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हो और उसके अंदर आपको स्लो मोशन करने के लिए कुछ और की यूज करनी पड़ती थी और अब अगर आप ईडीएस पे वर्क कर रहे हो और आपको शॉर्ट की यूज करते हुए प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से किसी भी की के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। और ये चीज मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर समझाई हुई है, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, देखेंगे फिर वीडियो किसके ऊपर बनती है। टोटल सेटिंग करने के बाद आपको इसके अंदर वीडियो को इंपोर्ट करना है। बिन के अंदर हम माउस से डबल क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो क्लिप जहां पर भी पड़े होंगे, जिस भी पार्टीशन के अंदर या जिस भी फोल्डर के अंदर पड़े हुए होंगे, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहां से कुछ वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेता हूं, फिलहाल इतने से ही काफी हैं। और यहाँ से कोई भी एक वीडियो को हम पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने प्रोजेक्ट पैनल की एक टाइमलाइन के ऊपर। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस टाइमलाइन के ऊपर, और इस वीडियो को हम जहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहीं पर ये ड्रॉप हो जाएगी वीडियो। इसको हम अगर स्टार्ट में करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट में पहुंच जाएगी। और यहाँ से अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को एडिट करते हुए आपको जो शॉर्ट्स की यूज करनी होती है, जिससे आप
आपकी एडिटिंग फास्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वीडियो को यहाँ से कट करना है, तो मैं यहाँ पर प्ले हेड को लाके कीबोर्ड से सी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस वीडियो के अंदर कट ऐड हो जाएगा, और इस क्लिप को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा और फिर से इस क्लिप को सिलेक्ट करके बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो ये वीडियो हमारी स्टार्ट वाला क्लिप कट होके ऐसे इसके साथ लग गया। और इसके अलावा अगर मैं इसको अंडू कर देता हूं, अगर हम इसके ऊपर चेक मार्क लगा देते हैं सेट रिपल मोड, इसकी शॉर्ट की है आर, अगर आप कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और फिर से आर प्रेस करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से किसी भी क्लिप को कट करके इरेज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से सी प्रेस करता हूँ कट हो गया और इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो रिपल हो गई है। यहाँ पर आपको बैकस्पेस की जो है प्रेस करनी नहीं पड़ी जिससे आपका काम शॉर्टली हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इससे भी ज्यादा शॉर्ट काम करना चाहते हैं तो आप अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे या ऑडियो वीडियो जो भी क्लिप होगा उसको सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से एन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो को कट भी कर देगा और साथ ही रिपल भी कर देगा। अगर आपने स्टार्ट वाली वीडियो को कट करना है तो एन प्रेस करेंगे, मैं फिर से एन प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं स्टार्ट से वीडियो कट होके जहां पर हमने कट लगाया था वहां से वीडियो स्टार्ट हो रही है। और अगर हम लास्ट पे कट लगाना चाहते हैं तो हम एम प्रेस करेंगे तो लास्ट वाला वीडियो क्लिप कट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी वीडियो भी रिपल हो जाएगी। और इसके अलावा सोमबल भाई को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी वीडियो ईडीएस के अंदर इंपोर्ट नहीं हो रही थी, तो नॉर्मली ईडीएस 9 वर्जन का क्विक टाइम प्ले आपका इसके साथ अटैच होता है जो आपने चेक मार्क लगा के इनेबल करना होता है। और अगर आप ईडीएस के न्यू वर्जन की बात करें ईडीएस एक्स की, तो उसके अंदर क्विक टाइम प्ले आपको नहीं दिखाई दे रहा होता, उसके अंदर जस्ट आपका कोडक वर्क कर रहा होता है जैसा कि के लाइट कोडक पैक हो गया, या फिर मैंने इसके लिए स्पेशली बीएस प्लेयर के नाम से एक प्लेयर क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कोडक इंपोर्ट किया हुआ है, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। नानियर किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हो तो उसके साथ कोडक तो डेफिनेटली वर्क कर ही रहा होता है, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप अपने पीसी के अंदर के लाइट कोडक इंस्टॉल कर लें जिसको 3-2-1 प्लेयर भी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करता हूं, ये आप देख सकते हैं ये फोल्डर ओपन हो चुका है, यहां पर आपको आइकन भी दिखाई दे रहा होगा, इसको आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये अपडेट मॉडिफाई का ऑप्शन मिल रहा है, इसका अपडेट वर्जन आ चुका हुआ है तो मैं इसको अपडेट ही कर देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में किसी चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। रीसेट ऑल सेटिंग डिफॉल्ट, मैं यहाँ से इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से मैं इसको सिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दे, क्लासिक स्टैंडर्ड बाकी सभी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट रहने देनी है और फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, यहाँ से आपने ये सिंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल्ड कर देना। मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। और इसके अलावा ये बीएस नेम से प्लेयर है, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सेटअप की एग्जी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे और एग्री नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट, और ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग की हुई है इसको वैसे ही रहने दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडो के अंदर जस्ट ये वर्क करे, आपकी विंडो की प्रोफाइल के नेम को अगर कोई चेंज कर देगा तो ये वर्क करना बंद कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी विंडो के नेम को चेंज भी कर लें तब भी ये वर्क करता रहे तो आप यहाँ पर ऑल यूजर के ऊपर चेक मार्क लगा देंगे और इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद ये आपसे अपडेट का ऑप्शन मांगेगा, ये आप देख रहे हैं आपने इसको अपडेट कर देने, ओके ऐसे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको रन को मैं फिलहाल डिसेबल कर देता हूं और फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल होके आ चुका है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमसे डू यू वांट टू ओपन बीएस प्लेयर डाउनलोड पेज, हमें डाउनलोड नहीं करना, इसको मैं ओके कर देता हूं तो ये आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। और अगर ये आपके पास ट्रायल वर्जन में इंस्टॉल होता है और आपसे एक्टिवेटर की मांगता है, इसके अंदर जो टेक्स्ट पेज पड़ा हुआ है इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी की दिखाई दे रही है, आप यहाँ से इसकी की को कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। ऑलराइट, उसके अलावा आपने वीडियो को कन्वर्ट कैसे करना होता है, तो एक तो ये टोटो वीडियो कन्वर्टर होता है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ ऑडियो फाइल को कन्वर्ट करने के लिए वेव फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम जिस भी ऑडियो के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं उसको पहले वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारी बीट्स के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर आप वीडियोस वगैरह कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो फॉर्मेट आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा होता ईडीएस के अंदर। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सभी फॉर्मेट इंपोर्ट हो जाते हैं ईडीएस के अंदर, फिर भी अगर कोई फाइल आपकी इंपोर्ट नहीं हो रही तो
आप यहां से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाता है हैंड ब्रेक कन्वर्टर, इससे भी आप वीडियो फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। हैंड ब्रेक जो होता है इसका मैं यूज करता हूं, जो भी वीडियो मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करनी होती है उसको पहले मैं एडिट करके एक्सपोर्ट कर लेता हूं, और एक्सपोर्ट करने के बाद हैंड ब्रेक के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, जिससे मेरी वीडियो की क्वालिटी डाउन नहीं होती बट उसकी मेमोरी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। मेमोरी को कम करने के लिए यूज करता हूं इसको मैं, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं मैंने ये एक हाईलाइट क्रिएट किया था पार्टी का, तो जो मैंने EDS के अंदर एडिटिंग करके इस फाइल को एक्सपोर्ट किया तो इसकी मेमोरी तकरीबन 669 MB है। और उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया इस कन्वर्टर के थ्रू और इसकी मेमोरी होगी 327 MB, यानी कि 50% मेमोरी इसने कम कर दिया इसकी, और दोनों फाइल की क्वालिटी तकरीबन सेम है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं, और अगर मैं कन्वर्टेड फाइल को प्ले करता हूँ तो फिर से वही सेम फ्रेम सेम क्वालिटी बट मेमोरी 50% कम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। PS फिल्म्स प्रोडक्शन। PS Production. PS Films Production.